ई कॉम एक्सप्रेस की, रुक मैं बता दूँ, यहाँ से ई कॉम लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको। हमने ऑर्डर किया था ये हैंड सैनिटाइज़र वाला स्प्रे, तो ये देखो यहाँ पे बता रहा है क्वांटिटी एक ही है, और यहाँ पे फोटो दिया है ब्लैक एंड वाइट पे, और यहाँ पे वही हमारे सब बायोडाटा दिया हुआ है। जल्दी से इसे अनबॉक्सिंग करते हैं, तो चलो अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं। टाइप का हमें बॉक्स मिलता है जो कि काफ़ी एक अच्छा लग रहा है, यहाँ पे भी वही सब इंस्ट्रक्शन दिए हुए कैसे क्या यूज़ करते हैं। तो चलो यार इसे खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो ये हमारे खुल नहीं रहे, तो ये हमारे जो स्पॉट बॉय है उन्होंने ही खोला है अभी। तो स्प्रे वो तो ऐसा कुछ एक है, स्प्रे काफ़ी एक बढ़िया सा लग रहा है, ऐसा कांच का बोतल का साइज थोड़ा छोटा है बट स्टील अच्छा लग रहा है जैसे स्प्रे निकलता है। एंड नीचे की तरफ एक माइक्रोवेव भी पोर्ट दिया है, मैं जो कि आपको बताता हूँ, एक मिनट आपको दिख ही रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। और एक हमें वायर मिला है छोटा सा केबल माइक्रोवेव भी वाला, तो इसे बाजू में रखते हैं। और कुछ हमें मिला नहीं है इसके अंदर, तो अभी एक काम करते हैं इसके स्विच को एक बार दबा के देखते हैं। ये देखिए ब्लू लाइट चालू हो चुका है, काफ़ी सही, इसे दबाने पे बंद भी हो जाएगा। तो इसे काम करते हैं, पहले पानी भरते हैं, उसके बाद हम इसे सैनिट मतलब कैसे काम करते हैं वो देखते हैं। तो चलो देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमने इसे पानी भर दिया है, ये देखिए पानी हमने इसमें भर दिया है। और अब करेंगे ये कि इसे हम अभी कनेक्ट कर लेते हैं इसके साथ, उसके बाद हम करते हैं। तो कुछ इस तरह से ऐसा घुमाना पड़ेगा, ओके। तो उसके बाद हम ऐसा सीधा ले लेंगे, अब ज़रा मूछ लेते इसे थोड़ा, अभी हम दबाएंगे तो नहीं आ रहा अभी तो पानी। बता दूँ आपको कि हमने इसे एक बार चार्ज में कनेक्ट किया, तो उसके बाद ये जो कि है ये स्प्रे चालू हो चुका। अब जैसे मैं बता दूँ, ये देखो तो ये कुछ ऐसा चालू हो गया है पर बंद हो गया फिर से। एक्चुअली इसके अंदर जो है चार्ज कम है, अभी मैं इसे अभी चार्जिंग मोड में भी किया था तो कर रहा था, तो अभी चार्ज करने के बाद मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि कैसे करके इसको यूज़ करते हैं। तो चलो चार्ज करते हैं इसे। आपको दिख रहा है ये सैनिटाइज़र हमारे पास है अभी, आपको दिख रहा है ये, और इसमें अभी हमने सैनिटाइज़र भर भी दिया, आपको दिख ही रहा होगा ब्लू कलर का है। तो अब हमने इसको चार्ज कर रखा था, अभी से हम चालू करेंगे तो आपको दिख ही रहा है ये निकल रहा है, ये देखिए थोड़ा कैमरे की तरफ आ गया। और आपको एक बात नोट रखना पड़ेगा कि अगर आपने ऐसा करके रखा तो फिर ये जो है नहीं होगा, सिर्फ ऐसे करके रखने पे होगा, नहीं तो ऐसे करके मतलब रखना होगा। पर अगर आप उल्टा कर देते हैं इसे जैसे मैंने किया हुआ है, ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा और ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, बट ब्लू लाइट ऑन ही रहेगा। उसके बाद आप ऐसे ही करके आपको यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे बंद भी कर सकते हैं। और आपको मैं और एक बात बता दूँ, चार्जिंग का टाइम पे इस यहाँ पे जो है बेसिकली रेड लाइट चालू हो जाता है, उसके बाद चार्ज करते हैं। और मैं चार्जिंग के टाइम पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चार्जिंग के टाइम पे इसे मतलब यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना इसके बैटरी लाइफ पे प्रॉब्लम हो सकता है बाद में। तो बस चार्ज करके भी मैं आपको इसको बता ही देता हूँ एक बार। तो इसे ऑन कर लेते हैं और इसे कनेक्ट कर लेते हैं हमारे इसके साथ, मुझे थोड़ा तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे एक लाइट चालू हो चुका है रेड कलर का, एक बार मैं आपको फ्लैश ऑफ करके बताता हूँ, दिख ही रहा होगा बंद हो गया। और अगर इसमें चालू करते तो ऐसा ब्लू एंड रेड का पर्पल इस टाइप कलर का एक लाइट आपको मिलेगा जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। वो दिख रहा है अभी भी चालू है इसका स्प्रे, बट मैं बोलूँगा कि सजेस्ट करूँगा कि आप ना ही यूज़ करें ऐसे तो ज़्यादा अच्छा होगा, पहले इसको चार्ज होने दें उसके बाद ही आप इसे यूज़ करें तो आपके लिए ज़्यादा मतलब ये लॉन्ग लाइफ तक चलेगा, मेरा ये मानना है। तो इसे हम पहले चार्ज कर लेते हैं, और आई होप आपको ये वीडियो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी ऐसी वीडियोस आपको रोज़ मिलते रहे। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।